हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आ गई है और गणपति जी की फेवरेट लड्डू ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपसे गणपति जी की फेवरेट बेसन सूजी के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनता है ये लड्डू। थोड़े ट्रिकी तरीके से, यानी थोड़े अलग तरीके से मैं इसको बनाऊँगी, जिससे ये बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाता है। तो आइए इस मज़ेदार से लड्डू की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक परात लिया है, यहाँ पर एक कटोरी ली है मैंने, उसी कप से मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। ये कोई भी कटोरी या नाप आप ले सकते हैं, उसी कप से 1.5 कप यहाँ पर सूजी ऐड करना है। तो सूजी और बेसन आप कोई भी लीजिए, मोटा या बारीक या पतला कोई भी, क्योंकि आगे जाके हमें इसको ग्राइंड ही करना है। तो आप कोई भी बेसन या सूजी यूज़ कर सकते हैं। अब उसी कप से यहाँ पर मैंने 1.5 कप सूजी और 1.5 कप बेसन के हिसाब से मैंने 1/3 कप यानी कि 6 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने घी लिया है। अब घी को आपको अच्छे से मसलना है, जिसे सूजी और बेसन अच्छे से घी को एब्जॉर्ब कर ले। ये मोयन वाला प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से हाथ से आपको मसलना है, जिसे कि अच्छे से सोक कर ले घी को सूजी और बेसन। ये देखिए, इस तरीके से आप इसके लड्डू बना के चेक कर सकते हैं, ये बाइंड हो रहा है, यानी बिल्कुल परफेक्ट है। ये मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा मोयन ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे घी और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड किया है, इसको प्यारा सा येलोइश कलर देने के लिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। पानी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि सूजी और बेसन दोनों ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखिए, आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। 5 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद हाथ से मसलते हुए इसकी हमें छोटी छोटी सी लोइयाँ तैयार कर लेनी है। तो लोइयाँ तैयार करने के बाद या तो आप इसका राउंड शेप में इस तरीके से टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए, या तो आप इसको फ्लैट करके, तो राउंड शेप में मुठियाँ भी बना सकते हैं आप, या तो इस तरीके से फ्लैट करते हुए टिक्कियाँ, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसको बनाइए, क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। टिक्कियाँ बनाने से ये ज़्यादा अच्छे से और बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं अंदर तक। तो यहाँ पर मैंने सारी लोइयों को इस तरीके से फ्लैट करके इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा मसल मसल करके आपको इसे इस तरीके से फ्लैट टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से तो मैंने सारी टिक्कियाँ देखी बना करके मैंने तैयार कर ली। और थोड़े से आटा को मैंने साइड में बचा करके रखा है, इसको मैं अभी आगे दिखाऊंगी कि मैं इसका कैसे यूज़ करती हूँ। तो हम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर हमें इसको फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो अच्छे से अंदर तक सिक जाएगा और हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें इसको फ्राई करना है, इस तरीके से पलटते हुए। दोस्तों, ये जो तरीका है लड्डू बनाने का, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही यूनिक सा तरीका है। इसमें आपको घंटों बैठ करके बेसन को भूनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि बेसन को बहुत देर भूनने के बाद भी उसमें हल्का कच्चापन रह जाता है और वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता खाने में। और दूसरी बात कि इसमें हमें चाशनी, 1 या 2 तार की चाशनी भी आपको नहीं बनानी है, सिंपल हमें इसमें शुगर सिरप ही बनाना है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका और इसमें बहुत ही टेस्टी लड्डू बन करके तैयार होती है। तो देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है टिक्की, तो मैं इसको इस तरीके से निकाल लूँगी प्लेट में। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको हमें ठंडा करना है अच्छे से। तो ये जो दूसरी जो मैंने लोई बना बचा करके रखी थी ना, इसको मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से मैं रोटी बनाऊँगी। जो लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो ऑयली नहीं खाना पसंद करते हैं उनके लिए है, जो थोड़े कैलोरी का ध्यान रखते हैं उनके लिए है। इस तरीके से आप जैसे कि मक्के की रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको बेल लीजिए। तो ये 2 रोटियाँ मैंने इसकी बना ली हैं। अब इसको हमें बहुत ही हल्के से घी या आप ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से उसको हल्का सा टोस्ट कर लेना है दोनों साइड से। तो उसी पैन में मैंने तेल हटा लिया और मैंने इसको हल्का हल्का मैं दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से भी लड्डू बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन इसको भी मैंने कर लिया है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो गया है। तो इस तरीके से पलटते हुए अच्छे से सेक लीजिए, जैसे कि मक्के की रोटियाँ बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखिए, ये यूनिक तरीका लड्डू बनाने का मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो आप एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा, आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा प्रोसेस और आप हर बार लड्डू ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो रोटियों को भी मैंने अच्छे से क्रिस्पी कर लिया और इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ठंडा करना है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खरारा बन करके तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ठंडा करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट को रोस्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ काजू और बारीक कटा हुआ बादाम लिया है। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा घी लिया है, आप ऑयल में भी कर सकते हैं, घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं।
तो इस तरीके से मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पहले बादाम को मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा गोल्डन होने तक, उसके बाद मैं काजू को फ्राई कर लूँगी। आप यहाँ पे पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक काट करके। तो यहाँ देखिए गोल्डन ब्राउन मैंने बादाम को कर लिया, उसी घी में मैं काजू को भी फ्राई कर लूँगी। काजू जो है वो बहुत जल्दी फटाफट से फ्राई हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बीच में ऑफ कर दिया था जिससे कि ये ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो काजू भी हमारा देखिए फ्राई हो गया, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। फिर वापस से मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके ऑफ़ कर दिया। अब बहुत हल्का सा गर्म है घी, अब उसी गर्म घी पे मैं किशमिश डाल करके मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि किशमिश को फ्राई करने के लिए बहुत ही हल्का गर्म घी भी सफिशियंट है, वो फटाफट से फ्राई हो जाता है। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और अब उसी फ्लेम घी में मैं किशमिश को फ्राई करूँगी। ये देखिए बहुत ही हल्का गर्म है लेकिन ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा, ऐसे ही आपको फ्लेम ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई होकर के बिल्कुल रेडी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं और उसके बाद भी 2 चम्मच घी यहाँ पे हमारा बच गया है। तो अब मैं शुगर सिरप तैयार कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप शुगर यूज़ किया है, 1.5 कप सूजी, 1.5 कप बेसन के हिसाब से आपको शक्कर ऐड करना है। तो 1.5 कप यहाँ पे मैंने शक्कर ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं 1/3 कप यानी कि जितना शक्कर है उसका 1/3 कप मुझे पानी ऐड करना है, पानी और ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस हमें इसको शुगर को मेल्ट करना है। हमें इसको कोई चाशनी नहीं बनानी 1 या 2 तार की, शुगर को मेल्ट होने तक हमें इसको पकाना है। ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है और बिल्कुल स्टिकी सा हमारा ये जैसे हनी होता है ना, बिल्कुल बस वैसे ही हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है। कोई 1 या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी, बस इसको हल्का चिपचिपा होने तक हमें इसको उबाल कर पकाना है। ये देखिए ये बिल्कुल चिपचिपा सा हो गया है, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। इससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी सा हो जाएगा। तो हल्का स्टिकी होने तक ही बस इसको आप कुक करिए। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने फ्लेवरिंग के लिए मैंने इलायची पाउडर का यूज़ किया है, आप केवड़ा या रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए इलायची पाउडर को। ये देखिए हमारा शुगर सिरप बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे ये हमारी मुट्ठियाँ या टिक्कियाँ बिल्कुल ठंडी हो गई हैं अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से ये ब्रेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये वैसे, क्योंकि मैंने इसमें मोयन डाला था ना, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ईजिली ब्रेक हो जा रहा है। ये देखिए घी का मोयन यूज़ करने से ये टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी हैं। तो इस तरीके से हाथ से तोड़ते हुए मैंने सारी टिक्कियों को ग्राइंडर जार में डाल के इसका मैंने फाइन सा पाउडर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, इसको हल्का सा दरदरा यानी कि कोर्सली ग्राइंड करना है। तो एक बार मैंने ग्राइंड किया, अब ये मैंने जो रोटियाँ तैयार की थी उसको भी मैं इस तरीके से हाथ से क्रश करते हुए, ये देखिए कितने ईजिली ये हाथ से क्रश हो जा रहा है, इसको भी मैं डाल के फिर से एक बार ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल मार्केट वाला ये हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और दरदरा सा ये मिक्सर तैयार है। इसकी जो लड्डू बनती है ना वो बहुत मज़े की बनती है, ये देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसकी लड्डू कितनी अच्छी बनेगी। इसको मैंने परात में इस तरीके से निकाल लिया है, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे टेक्स्चर है इसका, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया दरदरा लड्डू बन करके हमारा तैयार होता है। तो अब यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट किया था उसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को मैंने मिक्स कर लिया। अब जो मैंने चाशनी बनाई थी ना वो भी अच्छे से ठंडा हो गया, यानी रूम टेम्परेचर पे आ गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है चाशनी को, हल्का सा गर्म होना चाहिए, इतना ही गर्म हो कि उसको हम हाथ से टच कर सकते हैं। तो इसको मैं कलरिंग के लिए थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, इससे अच्छा सा ऑरेंजिश येल्लो कलर आएगा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने कलर को उसमें मिक्स कर दिया सिरप में, और थोड़ा थोड़ा सा सिरप डालते हुए मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। एक साथ पूरा सिरप नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए आपको इस तरीके से हाथ से अच्छे से मैश करते हुए उसको मिक्स करना है। ये देखिए सूजी और बेसन, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो होती हैं शुगर को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगी, ये अभी भी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। लेकिन मैं क्या करूँगी, ये देखिए इतना शुगर सिरप मेरा बच गया है, तो मैं इसको अभी ऐसे ही, ये बिल्कुल परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए, लेकिन मैं अभी इसके लड्डू नहीं बनाऊँगी, अभी मैं इसको रख दूँगी लगभग 1 घंटे बाद, क्योंकि 1 घंटे बाद ये अच्छे से चाशनी को सोक कर लेगा और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखिए 1 घंटे बाद ये देखिए कितना ज़्यादा ये ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा था ये कितना मॉइस्ट था, अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया, तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब जो हमारा बाकी का जो शुगर सिरप है ना वो भी इसमें यूज़ हो जाएगा, और मैं सारे शुगर सिरप को अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें।
इससे हमारा बहुत ही बढ़िया लड्डू बन करके तैयार होता है। तो इस स्टेप को भी आप ज़रूर से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक घंटे आप उसको मिक्सर को रख दीजिए जिससे ये थोड़ा ड्राई हो जाए, चाशनी को अच्छे से सोक कर ले। उसके बाद वापस से चाशनी को मिलाइए और अच्छे से देखिए देखिए वापस से ये बहुत बढ़िया लड्डू हमारी बन करके तैयार होगी। ये देखिए बहुत ही ईजिली ये बाइंड हो रहा है, कोई भी घी वगैरह हाथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर भी आपको लगे कि घी कम हो तो आप थोड़ा सा घी को गर्म करके इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरीके से फटाफट से लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू पहली बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। तो इस गणेश चतुर्थी पे ये नए तरीके से आप लड्डू ज़रूर से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कम समय में ये बन करके तैयार हो जाता है। कोई भी बेसन आपको देर तक भुनना नहीं है, चाशनी नहीं बनानी एक या दो तार की, और इसको बांधना भी बहुत आसान है, बहुत ही इंस्टेंट। ये फटाफट से देखिए फटाफट से हमारे लड्डू बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। आप इसको गार्निश कर सकते हैं पिस्ता से भी, इससे भी देखने में थोड़ा सा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे हमारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो इस त्योहारों पे आप इसको ज़रूर से ट्राई करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करिए ताकि वो भी इस तरीके से लड्डू बना सकें। और यहाँ पे मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगा देती हूँ और ये लड्डू बिल्कुल तैयार है इंजॉय करने के लिए। तो रेसिपी कैसी लगी अपने प्यारे प्यारे फीडबैक मेरे साथ कॉमेंट्स में ज़रूर से शेयर करिएगा, आपके कॉमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और ये टेस्टी लड्डू बना करके गणपति जी को भोग लगाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ़ यू।